हाय, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन और नई ऊर्जा और नई सोच के साथ। अब नई सोच में हर रोज तो काम जो है बदलता नहीं है, जो कुछ खास वाले काम होते हैं वो तो बदलते नहीं है, पर हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट अगर आपको कुछ खास करना होता है तो उसकी तो प्लानिंग आपको करनी होती है। अब प्लानिंग इतनी ही सी है कि आज दोपहर में मुझे रिकॉर्डिंग के लिए ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाने के बाद मुझे आ करके कुछ खास खास काम करना है। और मेन जो मेरा जो काम चल रहा है वो यही है कि ना मुझे कोई सफाई करनी है, ना डीप क्लीनिंग करनी है। कल जो ऊपर वाले कमरे की करनी थी वो मैंने ऊपर वाले फ्लैट की कर ली है। अभी देखती हूँ कि छोटा वाला जो कमरा है, उस छोटे वाले कमरे से जिसका कि मैंने मेक ओवर किया था, जो मेरा एक कचरा घर सा होता था जिसमें कि मैं सारे कंपोस्टिंग वगैरह जो सामान होता था, टूल वगैरह है जो गार्डनिंग का, वो सारा कुछ उसमें रखा रहता था, टूटे डब्बे हुए, तो उसको जो मेक ओवर किया था मैंने, उस कमरे का मतलब रोज सफाई तो होती रहती है। तो बस यही कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग है मेरी, और बस अब मैं तैयार हूं कि मुझे ऑफिस जाना है, तो इसलिए बस थोड़ी देर में फटाफट मैं ऑफिस के लिए निकलूंगी और वहां की रिकॉर्डिंग वगैरह खत्म करके और जो कुछ पेपर वगैरह मुझे ऑफिस का लेना है वो लेकर के मैं वापस आऊंगी, तब आप सबसे मिलूंगी। बस जी, ऑफिस का काम खत्म किया और कुर्ता चेंज किया और आ गई मैं इस कमरे में। अब इस कमरे की सबसे पहले आपको मैं हालत दिखा देती हूँ। बहुत दिन हो गया, डस्टिंग वगैरह तो जो जैसा होता है, रोज झाड़ू भी लगता है, पर वो जो डीप क्लीनिंग और चादर वगैरह चेंज करना था मुझे, ये बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, तो मैंने कहा कि बस शुरू हो जाते हैं, पहले एक बार आपको दिखा देते हैं। मोमेंटो वगैरह है सारा मेरा ऊपर रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ लगता है कि पीछे में गिर गया होगा, तो कुछ तिरछा सा हो गया था, टूट सा गया था, तो उसे मैंने पहले यहाँ से उतार के देखा, उसको राउंड राउंड घुमा करके वापस पोजीशन में मैंने उसको लाके और वापस वहाँ पे रख दिया। सारी क्लीनिंग होती रहती है, पर अभी यहाँ मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी, मैंने पहले इस सारे मोमेंटोस जो हैं उसको रीपोजिशनिंग किया करके उसके बाद मैं लग गई। ये वो था मॉस्किटो नेट है जो दिसंबर में 25 दिसंबर में मैंने टेरेस गार्डन में डेकोरेट किया था ना, तब से वो यही रखा हुआ था। तो मैं ऊपर जाती हूँ, गार्डन में काम करती हूँ, पर ऊपर जो दोनों ये कमरे हैं, जो आकाश का कमरा है उसमें भी आप सबको मालूम है कि बहुत टाइम के बाद में जाती हूँ, 3 महीना 4 महीना, और इस कमरे में भी वही हालात है, क्योंकि बॉडी जो है वो क्लीनिंग करती हैं और इम्पा करती हैं, तो मैं उसमें जाके ज़्यादा चेक वेक करती नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि वो लोग अपने घर के जैसा ही सारा काम करते हैं तो क्लीन करते होंगे, लेकिन ये मच्छरदानी का टैक्ट था जो कि उसको अंदर पैकेट में रखना था, वो नहीं समझ में उनके आया होगा, तो मैंने उसको राउंड से शेप किया और फिर छोटे से ही आप देख रहे जो पिलो टाइप का कवर था उसके अंदर उसको डाल के मैंने रख दिया। अब बारी थी कि पहले सारी चीज़ें हम मैं उठाऊं और हटाऊं वहाँ से। हटाने के बाद मुझे चादर वगैरह चेंज करना था, पूरी थोड़ी सी जो डीप क्लीनिंग होती है रीपोजिशनिंग करनी थी कुछ चीज़ों की, क्योंकि उस वक्त जब मैंने मेकओवर किया था इस कमरे का तो जैसे जैसे रखा था जो सामान वैसे ही था। खैर चलिए, ये सारा कुछ हुआ, मैं कर्टन पहले ही निकाल के यहाँ का ले गई थी जो मैंने वो छोटे वाले रूम में, अभी भी वो जो विंडो आपको डोर दिख रहा है ना, वहाँ पे जो कर्टन मैंने पिछले मेकओवर में टांगा था, तो वो कमरा है अभी भी, उस कमरे में मैं कंपोस्ट वगैरह रखती हूँ, और बस यहाँ से 20 कमरे से होकर के जब मुझे कंपोस्टिंग करनी होती है अपने प्लांट्स को, तो यहाँ से उसकी जो पैकेट है, थैलियाँ हैं या बकेट्स हैं, वो उठा के चुपके से धीरे से मैं ले जाती हूँ, और वो भी मुझे 2 महीना 3 महीना में काम होता है। जो टूल्स वगैरह है मेरी गार्डनिंग की वो बाहर ही मैं रखती हूँ, अपने प्लांटर्स के बीच में ही कहीं रख देती हूँ। खैर ये सारी बातें करते करते आप देखिए कि मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया, पिलो वगैरह सारा कुछ करना था वो सबको रीपोजिशनिंग करके, उसकी डस्टिंग करके सारा कुछ मुझे ऑर्गेनाइज करना था। अब ये क्या था ना कि ये ब्लैंकेट रखा हुआ है यहाँ पे, हालांकि ये मेरा कमरा नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं यूज होता है, वैसे ही नीचे ही कमरे में मुश्किल से कभी मैं एक कमरे में जिसमें हम लोगों का कमरा है, उसके बाद दूसरे कमरे में कभी टीवी देखने के लिए कमल चले
जाते हैं, मम्मी का एक कमरा है और दूसरा कंप्यूटर कमरा है, तो यही नीचे ही के मोमेंट में मेरा पूरा दिन निकल जाता है, तो गार्डनिंग वगैरह करने में। खैर, तो ये सारा कुछ जो है मेंटेन करना तो पड़ता ही है ना, तो ये इस तरह से करते करते, तो ये ब्लैंकेट यहाँ पे रखा हुआ है, उसको आपने देखा कैसे मैंने राउंड शेप में करके मोड़ के पीछे मसनद की तरह मैंने रख दिया। उसके ऊपर जो था वो सारा कुछ पिलो और मसनद वगैरह छोटे थे, ये सब मेरा DIY है। आपने पुराना अगर वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये सब दुपट्टे से मैंने बनाया है। खैर, पिलो व कवर वगैरह सारा, पिलो कवर नहीं चेंज किया मैंने, क्योंकि पिछले कुछ ही दिन पहले मैंने चेंज किया था और कॉम्बिनेशन ऐसा मिल रहा था बेडशीट जो मैंने डाला था इस पर। तो उसके बाद सारा कुछ ये डालने के बाद मैंने फिर से एक बार, पहले मैंने झाड़ू कर लिया था, फिर से अब धीरे से मैंने पूरा झाड़ू किया, जो थोड़ा बहुत डस्ट निकला था, बहुत ज़्यादा नहीं था, उसको डस्ट को पहले झाड़ू से निकाल के मैंने, और उसके बाद फिर मैंने कमरे की डस्टिंग शुरू की। डस्टिंग बारीकी से ही करनी थी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सफाइयाँ होती रहती हैं, जो डीप क्लीनिंग में जो मेन होता है वो यही होता है कि आप बारीकी से उस कमरे की डस्टिंग कीजिए, क्योंकि डस्टिंग हर रोज़ जो है इतना डीपली होता नहीं है। खैर, झाड़ू लगाने के बाद मैंने उस काम को भी धीरे धीरे करके पूरा किया, और ये जो बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना बैम्बू का जो सोफ़ा टाइप लगा हुआ है, ये बहुत सस्ता मैंने ख़रीदा था, बहुत साल हो गए, कितना साल हो गया, ये 2006 में मैंने ख़रीदा था। पहले भी शायद बताया होगा आप सबको कि नहीं बताया है, पर हाँ, ये 2006 में मैंने ख़रीदा था और बहुत ही सस्ता सा मैंने ख़रीदा था। तो इसको पेंट करती रहती हूँ हमेशा, और ये जो आप पेंट इस पे देख रहे हैं ये मेरे हाथ का ही पेंट किया हुआ है। इसकी अलमारियाँ वगैरह जो है सब वही, क्योंकि वैसे तो हो सकता है कि पेंटिंग अगर मैं किसी से कराऊँ तो सस्ते में ही हो जाए, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है पेंटिंग में, एक दिन का लेबर लगेगा, एक पैकेट पेंट लगेगा, पर मुझे भी तो कुछ करना होता है आप सब के लिए, मुझे भी कुछ करके दिखाना होता है, और ये वजह है कि आप सब के लिए करते करते बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं सीख गई हूँ, जैसे पेंटिंग करना मैं सीख गई, और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्टिचिंग वगैरह तो पहले से मुझे आता था पर बीच में मैंने छोड़ दिया था। क्रोशिया वगैरह की बुनाई में बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं था, पर वो भी सिर्फ आप सब के लिए शुरू किया, और जब उस पर शुरू किया तो इंटरेस्ट आने लगा, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। तो देखिए, ऐसा है ना कि दोस्तों के साथ होता है तो बहुत सारी चीज़ों का इंटरेस्ट अपने आप जग भी जाता है। तो इसी तरीके से ये क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सब तो हर औरत जो है, फीमेल है, उसको जिसको घर की सफाई का शौक़ है, ये बहुत बड़ा ट्रिक वाली चीज़ नहीं होती है, बस मन लगाने वाली बात होती है। हाँ, कि आप डीप क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, किसी चीज़ को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आप उसे जिस जगह से उठाते हैं उस जगह पे फिर से रख देते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक थोड़ी सी ये चीज़ होती है कि इंटीरियर डेकोरेटर्स जो होते हैं वो इंटीरियर को कैसे डेकोरेट किया जाता है वो उनके पास थोड़ा ज़्यादा आइडिया होता है। उसी तरीके से हम सब जब घर को सजाते हैं ना औरतें, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे रखेंगे कि वो अच्छे से दिखेगा और उसे ईजली हम उसको जब उसकी ज़रूरत होगी तो हम वहाँ से उठा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं बस, और इस तरीके से बहुत कंफर्टेबल हो उस कमरे में, जिस कमरे को भी हम डेकोरेट कर रहे हैं, कि आना जाना, डस्टिंग करना, झाड़ू लगना, ये सारी चीज़ें जो प्लेस हो ना बहुत अच्छे से हो, बस इतनी छोटी छोटी चीज़ों को हम देखते हैं और ध्यान में रखते हैं। और यही देखते हुए मैंने पहले इसको, जो ये ट्रे था मेरा जो किचन ट्रे हुआ करता था, इसको यहाँ पर पोजिशन किया था पेंट वेंट करके, तो पहले मैंने स्ट्रेट रखा था, फिर इसको डायगनली मैंने इसको रख दिया, थोड़ा देखने में चेंज हो गया और कमरा का भी पोजीशन भी थोड़ा चेंज हो गया। तो इस तरह से तो हल्का हल्का जब हम चेंज करते रहते हैं ना तो बिल्कुल एकदम से फ्रेश हो जाता है सारा कुछ। तो अब इतनी सारी बातें करते करते पूरे कमरे की झाड़ू, डस्टिंग, बेडशीट वगैरह चेंज करना, और ये जो है बीन बैग, इसे भी बढ़िया से मैंने क्लीन कर दिया। अब क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी
इसको उठा करके अगर ये जो मेरा गिटार रखा हुआ है अगर इस साइड में कोने में रख देते हैं तो अच्छा रहेगा। बस सिर्फ माइंड में ये था कि एक ये पोजीशन आ रहा था कि अगर कोई बैठ करके पलंग पे आराम से गिटार बजाना चाहे तो ये वाला पोजीशन अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने गिटार को यहाँ कॉर्नर में रख दिया। अब फाइनल टच मैं दे रही थी। फाइनल टच देने के बाद मुझे क्या करना था कि मुझे धूप बत्ती और एक प्लांट यहाँ पे लाके रखना था सेंटर टेबल पे। तो ये मैं लेके आई एलोवेरा का प्लांट, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ये जब कमरा खुला होता है तो इस वाले जहाँ पे टेबल मैंने रखा है यहाँ अच्छे से धूप आती है और जितनी धूप और हवा एलोवेरा के प्लांट को चाहिए उतना पर्याप्त है यहाँ के लिए। तो मैंने इसलिए एलोवेरा का ये जो ट्रे गार्डनिंग की थी वो मैंने ला के यहाँ पर रख दिया। फैन को भी नीचे स्टैंड के ऊपर रख दिया, चला के भी देख लिया कि अच्छे से हवा चल रहा है कि नहीं। अब ये सब कुछ जब चेक कर लिया तो अब क्या बारी थी, अब बारी थी कि मैं यहाँ पे धूप बत्ती कर दूँ, क्योंकि दरवाज़ा जो बंद रहता है ना तो हल्की हल्की सी थोड़ी सी सिलन वाली आती है, हालांकि सिलन है नहीं कहीं कमरे में बट थोड़ी सी आती है ऐसी गंध दरवाज़ा खोलने पे। तो मैंने कहा कि भाई अब इसमें भी वो पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट मैं नीचे गई और नीचे से जाके धूप बत्ती मैं ले करके आई कि यहाँ पे जला देती हूँ ताकि थोड़ी सी खुशबू भी हो जाए और खुशबू के साथ साथ फ्रेशनेस भी हमें महसूस होने लग जाए कि भाई हमने धूप बत्ती यहाँ ला के रखा है। अब जब धूप बत्ती ला के यहाँ रखा तो एक अलग सा ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहा था, बहुत अच्छा सा मुझे लगने लगा। मैंने कहा कि वो इसकी कमी थी। अब ये देखिए कि छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ ऐड कर देने से आपके घर का डेकोरेशन, उसकी खुशबू और पॉजिटिविटी कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है ना। बस एक धूप बत्ती लगाने से इतनी सारी जो मेरी मेहनत थी वो सक्सेस हो गई और बहुत इत्मीनान सा मुझे लग रहा था। अब मैंने कहा कि एक बार फिर से आपको पूरे कमरे को दिखा देती हूँ कि पहले कैसा कमरा था और अभी जब मैंने इसे क्लीन किया तो कैसा लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ बीन बैग पे बैठ के मैंने कहा कि आहा, यहाँ बैठ के देखते हैं, गार्डन की तरफ देखते हैं कैसा लगता है। तो इत्मीनान से यहाँ बैठ के थोड़ा सा स्टाइल किया मैंने, और स्टाइल करने के बाद मैंने कहा कि अच्छा अब थोड़ा और स्टाइल कर लेते हैं और अब बाहर की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल है नहीं कि इतना सारा काम करने के बाद कोई वहीं पर आराम से बैठ जाए। फिर मैंने बीन बैग को दूसरी तरफ रखा, मैंने कहा कि चलिए यहाँ भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं और यहाँ क्या कर सकता है कोई बैठ के, बीन बैग पे आराम से यहाँ से मैगजीन या नॉवेल वगैरह जिसको पढ़ने का शौक है वो अगर यहाँ आके बैठे तो पढ़ सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और जो मैंने फिर एक डीप क्लीनिंग और मतलब डीप डस्टिंग वगैरह किया सारा इसे छोटे से कमरे का, और वो कमरा मेंटेन करके रखा है मैंने इतने दिनों से, तो उसके बारे में आप बताइएगा कि और उसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं। आपने सारा मोमेंटो वगैरह आपने देखा जो मैंने ले जा करके ऊपर ही रख दिया है, और जो रिटायरमेंट के टाइम में मिला था मुझे वो भी मैंने वहीं पर रख दिया है। तो उन सारी चीज़ों को रोज़ रोज़ डस्टिंग करना, उसके बल्ब को जलाना बंद करना, और थोड़ी देर में फ़ैन भी चला करके आपने देखा कि मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा, क्योंकि सीपेज तो नहीं है लेकिन बहुत दिनों से कमरा बंद रहता है तो फिर उसमें एक अजीब सी गंध सी आने लग जाती है, क्योंकि गार्डन है ना, तो गार्डन से हालांकि हवा जाती है तो जो खुशबू वाले पौधे हैं उसकी तो हवा अंदर जाती है। तो फिर मैंने वहाँ पर थोड़ी देर धूप बत्ती भी जलाया, अगरबत्ती जलाई, ताकि जो सीपेज वाली हल्की सी पानी वाली खुशबू जो आती है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से वो सारा कुछ करते कराते पूरा टाइम बहुत सारा वक्त लग गया। तो आज का ये काम आप सबको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ ये भी मैं भूल रही थी कि ये भी तो मुझे कहना है कि शेयर कीजिए। तो कल आपसे मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।